हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन क्लास 8 हिस्ट्री, चैप्टर 3 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तो देखेंगे कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। अभी तक हमने क्लास 8 की हिस्ट्री में क्या पढ़ा है थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हर चैप्टर क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। पहले ही बताया था एवरी चैप्टर इज इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो चैप्टर्स को समझने के लिए क्या करना होगा, पीछे के चैप्टर्स को हमेशा रिकॉल करना होगा, याद रखना होगा। तो अब देखते हैं कि हमने क्या देखा हिस्ट्री में। हमने देखा कि हमारी जो अभी तक की हिस्ट्री थी, ये उसे मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन कब से मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, जब से ब्रिटिशियस इंडिया आए। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह से ये क्लोनियल हिस्ट्री है, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई, तो ये क्लोनियल हिस्ट्री है। फिर हमने देखा कि ब्रिटिशियस जो थे वो वैसे तो ट्रेडर्स बन के इंडिया आए, लेकिन ट्रेड करते करते कब वो ट्रेड से उन्होंने टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, वेन एवर दे लेट द ट्रेड टू टेरिटरी, ये पता ही नहीं चला। ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने फिर इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या करना स्टार्ट किया, इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। और उसका रिजल्ट क्या था, बैटल ऑफ पलासी। अगर सीक्वेंस में देखें तो बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे बैटल ऑफ पलासी की डेट एंड बैटल ऑफ बक्सर की डेट। क्लियर। अब क्या था कि इन दोनों बैटल के बाद इंडियन हिस्ट्री का जो रुख था वो पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले, ना सिर्फ पॉलिटिकल सेक्टर में, जबकि सोशल और कमर्शियल सेक्टर में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। हम ये कह सकते हैं कि हम जो आज हैं, एट प्रेजेंट आज जो हम हैं, वो कहीं ना कहीं उन चेंजेस का ही असर है, या उन चेंजेस को आज भी हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, हमारा जो प्रेजेंट है इट्स स्लाइटली और मे बी रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट। हमारा जो प्रेजेंट है हमेशा हमारे पास्ट से क्या होता है, इफेक्टेड होता है, और हमारा जो आने वाला कल है यानी हमारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रेजेंट कैसा होगा। सो ऑलवेज रिलेटेड द चैप्टर विथ दिस चैप्टर, स्पेशली दिस चैप्टर यू हैव टू रिलेट विद द बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो देखते हैं कि अब क्या था कि बैटल ऑफ पलासी और बक्सर में हमने देखा कि ये जो ब्रिटिशियस थे ये तब तक क्या कर रहे थे, शहरी एरियाज़ पे कब्ज़ा कर रहे थे। जैसे बैटल ऑफ पलासी में हमने देखा कि कलकत्ता की बात हुई, फिर बैटल ऑफ बक्सर की बात हुई जिसमें लखनऊ और दिल्ली तक शामिल हो गए। उसके बाद फिर हमने मैसूर के बारे में पढ़ा, जिसमें मैसूर का जो श्रीरंगपट्टनम जो कि एक काफ़ी प्रोस्पेरियस सिटी था उस पे उन्होंने कब्ज़ा किया। तो अभी तक वो सिर्फ शहरों पे कब्ज़ा कर रहे थे, लेकिन अब क्या था कि जैसे ही उन्हें आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर दीवानी राइट मिली, इन्होंने अपना जो रुख है वो किस तरफ किया, गांव की तरफ, यानी हमारे रूरल सेक्टर की तरफ किया। एंड अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया, गाँव की तरफ, किसानों के तरफ किया, और वहाँ कब्ज़ा करना इन्होंने शुरू किया। एंड अब इसके साथ ही क्या हुआ, अब जैसे ही इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर को जीता, इंडियन पावर जो थी वो पूरी तरह से शिफ्ट होकर कहाँ चली गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। अब क्या था कि इंडिया की पावर को कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही थी किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी इंडियन पावर को। अब क्या था कि हमारे पास नवाब तो थे, लेकिन नवाब नाम के थे, ये ऐसा ही था जैसे नवाब तो हैं पर जैसे बिना दांतों वाले शेर हैं। तो यानी वो थे तो, लेकिन उनकी जो पावर थी वो किस नाम बची थी, कैसे बची थी, सिर्फ नाम मात्र की पावर बची थी। जो रियल पावर थी वो अभी भी किसके हाथ में चली गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। अब देखते हैं कि ब्रिटिशियस को ये दीवानी राइट्स कैसे मिले और कब मिले। ठीक है, तो आफ्टर द बैटल ऑफ द कंपनी बिकेम द दीवान। अब ये दीवान क्या है, दीवान मीन्स, दीवानी राइट्स मीन्स टू राइट टू कलेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी टैक्स को कलेक्ट करने का राइट मिलना ही क्या कहा जाता था, दीवानी राइट कहा जाता था। अब क्या था कि बैटल ऑफ बक्सर के समय
जो दिल्ली के जो उस समय मुगल रूलर थे, अब क्योंकि मुगल ही उस समय ऐसे थे जिनको इंडिया में इंडिया का रियल शासक, रियल रूलर माना जाता था। इंडिया की जो जनता थी वो मुगल्स को ही अपना रियल रूलर मानती थी, तो उनको भी इसमें क्या किया गया, बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिशर्स जीत गए और ये जो इंडियंस थे वो हार गए। अब इसकी वजह से शाह आलम टू, जो कि उस समय ब्रिटिश सॉरी उस समय मुगल एम्पेरियर थे, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट यानी टैक्स कलेक्शन का जो राइट था वो किसे दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। ठीक है, द मुगल एम्पेरियर शाह आलम टू अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल ऑन 12 अगस्त 1765। डेट रिमेंबर रखेंगे। एंड दिस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई रॉबर्ट क्लाइव टेंट एंड वॉज विटनेस बाई द इंडियन इंग्लिशमैन, यानी इंडियंस एंड इंग्लिशमैन के सामने रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, शाह आलम टू से दीवानी राइट्स के पेपर लिए। ठीक है, और दिस वॉज अ लैंडमार्क अचीवमेंट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा किसके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। नाउ द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब क्या था कि पैसे का जो फाइनेंशियल पावर था, यानी जहाँ जहाँ इनको दीवानी राइट मिले उस समय, तो अब क्या था कि उससे पहले जैसे बैटल ऑफ बक्सर और पलासी से पहले देखते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन का राइट था वो किसके पास था, नवाब के पास था, पास होता था। नवाब जो होते थे वो ब्रिटिश के हाथों की कठपुतली होते थे, दे आर पपेट ऑफ द हैंड ऑफ ब्रिटिशियस। तो अब इस समय क्या था, सारे फाइनेंशियल राइट जो थे वो ब्रिटिश के पास आ गए थे, यानी पैसे को कलेक्ट करने की पावर आ गई थी। और इसके साथ ही ब्रिटिशियस ने एक नई लैंडमार्क को अचीव कर लिया, कहाँ पे, इंडिया में। अब ये एक इमेज दिया हुआ है, एक इमेज पोर्ट्रेट की गई है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो शाह आलम टू है वो किसको, रॉबर्ट क्लाइव को क्या दे रहे हैं, दीवानी राइट दे रहे हैं। कहाँ की, देखो, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड ऑल्सो बिहार, ओके, इन 1765। तो अब देखते हैं कि अब ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से दिखाएगा कि किस तरह से ब्रिटिशियस जो थे उन्होंने शहरों से किस तरफ रुख किया, गाँव की तरफ, विलेजेस की तरफ वो चले गए, और वहाँ किस तरह से उन्होंने जो प्राइमरी सोर्स था टैक्स का इंडिया में, जो कि पीजेंट्स थे, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री तो थी नहीं, आज के डेट में हम लोग इंडस्ट्री से टैक्स वसूलते हैं, लेकिन उस समय क्या था कि जो टैक्स थे वो जनरली किससे लिए जाते थे, पीजेंट से, जो गांव में किसान होते थे उनसे लिए जाते थे। तो अब ब्रिटिशियस का रुख किसके तरफ हुआ, किसानों के तरफ। तो अब देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कंपनी बिकेम दीवान। ठीक है, हमने देख लिया कंपनी कैसे दीवान बनी, एंड देन द रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब रेवेन्यू यानी जो टैक्स था उसको राइट तो मिल गया, दीवानी राइट तो मिल गया कि टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स कैसे कलेक्ट करना है ये उन्होंने डिसाइड किया। ओके, दे नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, उनको लगा कि एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना चाहिए। अब देखेंगे कि एग्रीकल्चर इम्प्रूव होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने एक टैक्सेशन का सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था महालवाड़ी सेटलमेंट। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे, वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने कौन कौन से सेटलमेंट इन्होंने लॉन्च किए और किस तरह से टैक्स को लिया। दूसरा उन्होंने सेटलमेंट दिया मुनरो सिस्टम। ठीक है, सर थॉमस मुनरो नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और देखेंगे कि उन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की, क्या बताया, एंड द डिमांड फॉर इंडिगो। अब क्या था कि उन्होंने देखा कि इंडिया में इंडिगो नाम की फसल होती है। अब क्या था कि इसी समय ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स होते हैं जिसका यूज़ हम ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में कर सकते हैं। तो उसमें से एक सबसे ज़्यादा डिमांडेड जो क्रॉप थी वो क्या था, इंडिगो। और अब देखा जाए तो इस चैप्टर का एक्चुअली दो पार्ट है, बाकी तो ये एग्रीकल्चरल सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम है जो उन्होंने अपने
शासन पीरियड में यानी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड में लॉन्च किया, और दूसरा जो पार्ट है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है, सॉरी कम्प्लीटली डिफाइन करता है इंडिगो कल्टीवेशन को। अब देखेंगे कि किस तरह से इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन ब्रिटिश पॉलिसीज से इफ़ेक्ट होती है, कैसे जो इंडिगो पीजेंट्स हैं उनको किस तरह से सर्वाइव करना पड़ता है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और साथ ही हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट द ब्लू रेबेलियन। ये ब्लू रेबेल क्या हुआ था इंडिया में, इससे पहले हम लोग नहीं पढ़े होंगे कि ब्लू रेबेलियन क्या था। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि ब्लू रेबेलियन आखिर क्या था। ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू विद द वाइडली डिस्कशन ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो फ्रिक्वेंटली आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।